मैच से पहले ही सूर्या को मिली ऐसी खुशखबरी, फील्ड पर उतरते ही बॉल को बना दिया धुआं, तेज गेंदों में बना डाले 50 रन। रोहित ने कर दिया था प्लेइंग 11 से बाहर, कोच ने समझाया तो 12वें खिलाड़ी के रूप में दी जगह, फिर मचाया धमाल। सूर्या की चौके छक्के से ज्यादा इस बात की है चर्चे, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी का उतरा भूत तो गूंज उठा स्टेडियम। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में सूर्य कुमार यादव ने तेज गेंदों में अर्धशतक जड़ा, 8 चौके और 2 छक्के लगाकर 212 के स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी की। 31 गेंद पर 66 रन बनाकर कैच आउट हुए। 41 गेंद पर 75 रन बनाने वाले ईशान किशन ने उनका भरपूर साथ दिया और मुंबई इंडियंस ने ये मैच जीत लिया। ये तो आपने मैच में देखा, लेकिन जो नहीं देखा वो ये कि मैच से ठीक पहले सूर्या को कौन सी खुशखबरी मिली और कैसे उनका खोया हुआ आत्मविश्वास टीम से बाहर होने के डर से लौट आया। जब टॉस हुआ तब रोहित से पूछा गया कि टीम में क्या क्या बदलाव हैं, तो रोहित ने कहा आज सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 में नहीं है, उन्हें हमने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रखा है। इसका मतलब ये था कि सूर्या 12वें खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। रोहित चाहते तो उनका इस्तेमाल करते, नहीं चाहते तो नहीं करते। शायद इसी बात से नाराज सूर्य कुमार यादव ने इतना अच्छा गेम खेलने के बाद ही एक बड़ी बात कह दी, जिसके बारे में बताएं। उससे पहले सुनिए कैसे सूर्या का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा। कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर ने जब रोहित को समझाया तब जाकर सूर्या को उतारने पर रोहित राजी हुए, क्योंकि बीते कुछ मैचों से सूर्य कुमार यादव का जो प्रदर्शन था वो काफी खराब था। इस आईपीएल में सूर्या ने 3 अर्धशतक जरूर लगाए थे, लेकिन शुरुआती कई मैचों में रिकॉर्ड खराब था। आखिर में सूर्य कुमार यादव फील्ड पर आए और आते ही कई ऐसे अद्भुत शॉट जड़े जो पहले कभी नहीं लगाए थे। इस स्टेडियम में सूर्या सूर्या की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि हर शॉट के बाद सूर्या के चेहरे पर एक अलग मुस्कान क्यों दिख रही थी, तो पता चला कि मैच से ठीक पहले उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिली थी। वो खुशखबरी ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप की टीम में वो चुने जा सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल चोटिल हैं। ऐसे में उनकी जगह सूर्या को ऑस्ट्रेलिया भेजने पर विचार किया जा सकता है। शायद इसी खुशी में सूर्या का आत्मविश्वास लौट आया और फील्ड पर पुराने अंदाज में दिखने लगे। मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे किया, तो सूर्या ने बड़ा शानदार जवाब दिया, मेरे पास वास्तव में पावर गेम नहीं है, मुझे गेंद को टाइम करना और मैदान के साथ खेलना पसंद है। वास्तव में खुशी है कि साझेदारी ने जीत के लिए मदद की। हालांकि इस बात का अफसोस है कि मैं मैच को फिनिश नहीं कर सका, मुझे आखिर तक क्रीज पर रहना था, लेकिन खुशी है टीम मैच जीत गई। इधर मुंबई इंडियंस जीती, उधर सूर्य कुमार यादव हीरो बन गए। ईशान किशन और तिलक वर्मा के अद्भुत शॉट का हर कोई मुरीद हो गया। लेकिन इसके अलावा एक बात और थी जो सूर्या के चौके छक्के से ज्यादा चर्चा में थी, वो थी इस आईपीएल सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी की जमकर कुटाई। इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ में खरीदा, जो सूर्या से दोगुनी है। सूर्या ने सैम करन के ऐसे धागे खोले कि फैंस मंत्रमुग्ध हो गए। सैम करन ने 3 ओवर में 31 रन लुटा दिए। पंजाब के कप्तान शिखर धवन सूर्या की बैटिंग देख ऐसा घबराए कि सैम से चौथा ओवर करवाया ही नहीं। सैम करन से भी ज्यादा कुटाई अर्शदीप की हुई, जो 3.5 ओवर में 66 रन लुटा गए पर एक विकेट भी लिया। इस मैच में पंजाब किंग्स ने 214 रनों का अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया, पर मुंबई इंडियंस के धुरंधरों ने गेम ही पलट कर रख दी। मैच के बाद जब पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे गेंदबाजों ने सूर्या और ईशान के सामने टाइट लाइन लेंथ पर बॉलिंग नहीं की, वरना स्कोर डिफेंड करने लायक था। अब सूर्या जैसा खिलाड़ी फॉर्म में हो तो भले ही कोई कितना ही सही लाइन लेंथ पर गेंद डाल ले, गेंद तो बाउंड्री के बाहर जाएगी ही। और ये तो रोहित शर्मा का 2वां मैच था जिसमें जीत का गिफ्ट अगर सूर्या भाव न देते तो शायद रोहित और नाराज हो जाते। इसीलिए तो कहते हैं जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तो हर कोई तारीफ करता है, लेकिन बुरे वक्त में आपको खुद ही खुद को संभालना होता है। सूर्या का फॉर्म जैसे लौटा, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही देखता रहे ताकि आईपीएल का खिताबी मुकाबला और दिलचस्प बना रहे। सूर्या भाव की ये शानदार पारी आपको भी पसंद आई तो हमें कॉमेंट करके बताएं कौन सा शॉट सबसे शानदार रहा। ब्यूरो रिपोर्ट।